ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि समय समय पे हमारे खुद के हॉस्पिटल एडवांस हॉस्पिटल में और अपोलो हॉस्पिटल में हम आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिपेयर और मेनिस्कस रिपेयर करते रहते हैं और लगभग सारी दुनिया से ही लोग आके हमारे पास ये सर्जरी करवाते रहते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ एक और फाइटर है जो कि कोटा से आए हैं, तो हम इनकी कहानी जानते हैं कि इनको ACL की चोट कैसे लग गई थी, कैसे ये हमारे संपर्क में आए, इनका ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मनोज वर्मा सर, कोटा का। मनोज जी आप उधर कैमरे की तरफ देखिए। मनोज जी आपको जो घुटने में लिगामेंट की चोट थी वो कैसे लग गई थी? एक्सीडेंट केस था सर, मोटरसाइकिल से चला जा रहा था, पीछे से कार ने टक्कर मारी और मैं गिरा, उससे मेरा ACL। और आप कोटा के रहने वाले हो? कोटा राजस्थान का हूँ। क्या काम करते हैं आप कोटा के? किराना शॉप है सर मेरा, किराना शॉप है। तो जो आपको लिगामेंट की चोट लगी उसके बाद आपको मालूम कैसे चला कि आपको लिगामेंट लगा? क्या आप चल सकते थे खुद? नहीं, चलने में प्रॉब्लम थी सर, घुटना संभल नहीं रहा था, इस पे वेट नहीं दे पा रहा था और घुटने का ऊपर का हिस्सा अलग भग रहा था और नीचे का हिस्सा अलग भग रहा था। फिर आपने MRI करवाई? MRI कराई मैंने और MRI के बाद उसमें आया कि मेरा ACL जो है ब्रेक हो गया और गड्डी भी कुछ फट गई था कि फट गई। तो आपको मेरे बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन मिली? हमारे कोटा के नरेश जी सर हैं। हाँ, नरेश जी ने हमारे यहाँ सर्जरी करवाई थी। हाँ, वो उन्होंने बताया था कि जयपुर में जो नरेश शर्मा जी डॉक्टर साहब हैं, नवीन शर्मा जी बड़े डॉक्टर साहब हैं और हमारे होगा। दोस्तों क्या होता है कि जब पेशेंट अपने ही सेम बीमारी वाले किसी और पेशेंट से बात करता है जो पूरी तरह ठीक हो चुका है और जिसे डॉक्टर का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो वो काफी कन्विंस हो जाता है क्योंकि उसे लग जाता है कि भाई जो मेरे जान पहचान का पेशेंट है वो कभी भी गलत रिकमेंडेशन नहीं देगा। तो इनकी बात, इनके एक कॉमन फ्रेंड थे जिसके थ्रू मेरे ही एक पेशेंट से इनकी बात हुई और ये कन्विंस हुए, ये जयपुर आए और मेडिक्लेम के थ्रू इनकी सर्जरी अपोलो हॉस्पिटल में हुई है। मनोज जी ये बताइए कि आपका ऑपरेशन के दौरान एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको कोई डर या घबराहट लगी? नहीं, किसी प्रकार का डर और कोई प्रकार की घबराहट नहीं, सबने बराबर कोऑपरेट करा और समय समय पर मुझे वीडियो में बताया भी। आपने टीवी में देखा था क्या क्या मिस्टेक्स आ रही थी आपके? आपने समय समय बताया कि ये आपका ACL ब्रेक हो रहा है, ये आपकी गड्डी में है और एक और लेगामेंट कहीं ब्रेक बता रहे थे सर आप। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि टीवी पे पेशेंट को सब चीज़ें लगातार दिखाते रहते हैं जिससे कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि जो भी अंदर मिस्टेक्स थी उसको कवर कर दिया गया है। अब आपका ऑपरेशन होकर 48 घंटे हो गए, आप देख सकते हैं इनके पैर पे छोटी बैंडेज लगा दी गई है और इनकी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी गई है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि क्योंकि आपका मेनिस्कस रिपेयर हुआ है तो आपको 30-35 दिन तक वॉकर का यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल ACL में तो आप 15 दिन में ही चल सकते हो, लेकिन अगर मेनिस्कस रिपेयर है तो थोड़ा प्रोटेक्शन करना पड़ता है। जो पैर की बेंडिंग है वो आपको 90 डिग्री तक रखनी है 15 दिन और उसके बाद एक महीने तक 90 डिग्री तक और उसके बाद धीरे धीरे ही बढ़ानी है। एकदम से अपन मेनिस्कस रिपेयर में बेंडिंग नहीं बढ़ा सकते। मनोज जी, जो कोटा के, हाड़ौती, आंचल के, बूंदी के, झालावाड़ के पेशेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? यही कहूंगा कि मेरे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और मेरे को जिसने बताया उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए वो अपोलो में अपनी सर्जरी कराएं, डॉक्टर नवीन शर्मा जी से कराएं और उनको बेटर फील होगा और अच्छा लगेगा। चलो हम आपको बधाई देते हैं हमारा अस्पताल चूज करने के लिए और अगर और भी किसी को ये प्रॉब्लम है तो आप ऊपर लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मनोज जी से बात करनी है तो मनोज जी का नंबर भी आपसे शेयर करेंगे, आप इनसे भी अपने एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि अब ये भी ACL के एक्सपर्ट बन चुके हैं, इन्होंने 1.5 महीने काफ़ी स्टडी कर ली, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छी राय दे सकते हैं। क्यों? ठीक सर, ओके, धन्यवाद।